रीवा शहर में बीती रात बेलगाम होकर दौड़ रही कार बाउंड्री से टकराकर पलट गई। हादसे में कार जहां चकनाचूर हो गई तो वही कार सवार हादसे के बाद गायब हो गए। यह हादसा देर रात तकरीबन 12 बजे शहर के लाडली लक्ष्मीपथ मार्ग में डीएफओ बंगले के ठीक सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार कार डीएफओ बंगले के बाउंड्री से टकराकर गेट के भीतर जा घुसी है और अनियंत्रित होकर पलट गई। देर रात हुए इस भीषण सड़क हादसे के दौरान आवाज सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन कार सवार कौन थे उनकी पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल इस हादसे में डीएफओ के बंगले के बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुई है तो वही दुर्घटनाग्रस्त कार भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। देर रात हुए सड़क हादसे के बाद डीएफओ अनुपम शर्मा के गेट में पलटी हुई कार को अब उठाकर थाने ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस कार सवारों की पहचान कर सकेगी।